राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा जी के किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के टेस्टी से लड्डू। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया, आधी कटोरी सूजी ले ली है और आधी कटोरी चीनी ले ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले सूजी को भून लिया हमने धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए। सूजी हमारी भून चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए धीमी आँच पर ही भूनना है हमें दोस्तों। तो चलिए अब आटा मिला लेते हैं, आटा डाल देते हैं कढ़ाई में और इसे भी धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया है, भून चुका है हमारा आटा। अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे जो हमने भून के रखी थी, मिला लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे इसमें। देखिए और इसे 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे चलाते हुए। दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब इसमें दूध ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा। दूध डालने से दोस्तों जो सूजी और आटा है ना, उसका जो दाना दाना है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा और जो लड्डू हैं हमारे दानेदार बनेंगे अच्छे। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएं और चलाते जाएं और दूध को हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है बाद में। तो दोस्तों जब घी निकालते हैं तो ये बच जाता है ना जो पीछे, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। मेरे बच्चे इसे ऐसे ही चीनी मिला के खा जाते हैं, तो मैं ये भी डाल रही हूँ इसमें। अच्छे से मिला लेंगे और थोड़े से बादाम और किशमिश ऐड की है मैंने। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे और हल्के गर्म में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए चीनी ऐड कर देंगे, चीनी को हमने मिक्सर जार में पीस लिया है। 4-5 इलायची भी डाली है इसमें, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अच्छे से मिला लेंगे हाथों की मदद से। देखिए और लड्डू बांध लेंगे। अब लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बना लेंगे सारे लड्डू, बहुत ही अच्छे सुंदर कलर कितना अच्छा आया, टेस्टी लड्डू बनके तैयार होंगे हमारे। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं हमारे। देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।